हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ फली की सब्जी, मिक्स सब्जी, फली आलू और प्याज की। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फली की मिक्स सब्जी। जो मैं आज फली की सब्जी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो फली ली है। और गांव में तो इनको, हमारे उत्तराखंड में इनको ना छीमी बोलते हैं, छीमी, मोटी वाली छीमी है ये। और फली दो तीन प्रकार की होती है, एक लंबी भी होती है, एक पतली साइज में भी होती है, एक थोड़ी मोटी साइज में है। तो इसी की मैं आज सब्जी बनाऊंगी। और जो मैं फली की सब्जी में डालूंगी ना, इसे मैंने एक आलू कट करके रखा है। आलू थोड़ा मीडियम साइज का था, ज्यादा नहीं डालनी मैं आलू। और मैंने एक बड़ा साइज का प्याज इसमें कट करके रखा है लंबे साइज में। और थोड़ा लहसुन डालूंगी इसमें तड़के में। और इसमें मैंने दो टमाटर भी कट करके रखे हुए हैं। और बाकी मैं सिंपल जो मैंने यहाँ पर जिसमें तड़का लगाऊंगी ना, इसमें जख्या भी है, साबुत धनिया भी है, और सरसों भी है, और थोड़ा सा जीरा और मेथी के दाने भी है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, ज्यादा नहीं डालना मेथी के दाने, फिर वो कड़वा हो जाएगा। हल्की सी दो चार दाने डाल रखे मैंने, तो इसी का मैं तड़का मारूंगी। फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फली की सब्जी। और सबसे पहले ना मैं फली को काट दूंगी। और जो ये फली में जो ऊपर से ये रेसेस होते हैं ना, सबसे पहले हम इनको निकाल देंगे। इनको निकालना है, फिर ये खाते समय ना मुंह पे आते तो अच्छे नहीं लगते, तो ऐसे चाकू से ना इनको निकाल देंगे हम। वैसे मैंने आधे निकाल रखेंगे, थोड़े थोड़े जब मैं सब्जी लाती हूँ मैं तभी थोड़ा साफ कर देती हूँ सब्जी को। तो मैं किनारे किनारे से जो थोड़े बहुत है उनको निकाल देती हूँ। ऐसे ऐसे हम सारी छीमी से निकाल देंगे। वैसे है नहीं इसमें ज़्यादा, क्योंकि मैंने पहले भी सफाई कर रखी है इनकी जब मैं लाती हूँ सब्जी बाजार से। फिर भी हम थोड़ा बहुत कट कर देते हैं किनारे से। ये देखो ऐसे निकलेगी। फिर ये खाने में ना बहुत मुँह पे आते तो फिर खराब लगता है ये रेसे रेसे। और मैंने ये सारी फली के रेसे निकाल दिए हैं, तो अब मैं इनको बारीक बारीक कट कर देती हूँ। और एक एक या दो दो ऐसे पकड़ के कट कर देंगे हम। बट इसमें है अभी किसी किसी में, तो इनको निकाल देंगे। अब मैं ऐसे कट कर देती हूँ बारीक बारीक करके। और ये सब्जी बहुत हेल्दी होती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है सब्जी, फली की। छीमी भी बोल सकते हैं, फली भी बोल सकते हैं, हम तो इसको छीमी बोलते हैं। मैंने जो फली थी वो सारी कट करके रख दी है। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं फली और आलू की मिक्स सब्जी। अब मैंने कढ़ाई रख दी थी, और कढ़ाई गर्म हो गई तो मैं तेल डाल रही हूँ। तेल मैं सरसों का डाल रही हूँ, आपके पास जो भी तेल है आप वो डाल सकते हो, और तेल अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर मैं इसमें तड़का डाल दूँ। तेल गर्म हो गया है, जो मैंने तेल डाला था सरसों का, ऊपर भाप आ गई, तो मैं अब इसमें तड़का डाल देती हूँ। और सबसे पहले मैं ना लहसुन डाल रही हूँ। अब इसी के लहसुन के साथ ही मैं ये जो मैंने ये तड़का बना रखा है इसको भी डाल देंगे। अब तड़के को हल्का सा ब्राउन होने देना, लाइट ब्राउन, ज्यादा नहीं। तड़के मैंने सारे मिक्स कर रखा है उसको। अब मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज, और प्याज को भी हम हल्का सा भून लेंगे हम, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का। और प्याज को 1 मिनट हो गया है, हमको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को, क्योंकि मैं इसको प्याज को सब्जी में डाल रही हूँ, ऐसे तड़के में नहीं करूँगी जो ज़्यादा ब्राउन करना है। तो मेरे को बस 1 मिनट चलाना था प्याज को, हल्का सा कच्चापन दूर करना था। अब मैं इसमें आलू डाल देती हूँ, और फिर मैं इसमें ना टमाटर भी डाल देती हूँ। और जो ये सब्जी है ना फली, इसको भी हम डाल देंगे, बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। और इसी टाइम ना मैं मसाले भी डाल देती हूँ जो हमको डालने हैं सब्जी में। तो पहले मैं नमक डालूँ, और नमक अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा हल्दी पाउडर, बस यही डाल दूँ मैं इसमें मसाले, और ज़्यादा नहीं डालूँगी, सिंपल बनाऊँगी। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सब्जी को मसालों के साथ में। जो मैंने इसमें जख्या डाला है ना, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है सब्जी में, लेकिन यहाँ मिलता नहीं है वो जख्या, मैं थोड़ा गांव से आया था इससे मैंने डाल लिया इसमें। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और स्वाद भी होती है सब्जी हो जाए। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे हम सब्जी को।
मसालों के साथ में। बस 1-2 मिनट ऐसे मिक्स करूंगी मैं। गैस की आंच भी थोड़ा मीडियम कर दूंगी, थोड़ा भापी भाप में पकाएंगे हम सब्जी को, क्योंकि भाप में सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। अब मैंने 1-2 मिनट चला दिए सब्जी को, अब मैं इसके ऊपर ना ढक्कन रख देती हूँ, 1-2 मिनट बाद चेक करूंगी मैं। 2 से 3 मिनट हो गए, तो अब मैं चेक कर लेती हूँ सब्जी को, जो फली की सब्जी है। और गैस की आंच मैंने मीडियम कर रखी थी, तो ये देखो थोड़ा बहुत तो ये पक गई है और खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है इसमें। बस हम 1-2 मिनट बाद फिर इसको ढक के रखेंगे, फिर ऐसी मैं चेक करती रहूंगी बीच बीच में। जो ये फली की सब्जी है, इसे बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, ये भापी भाप में बहुत अच्छी बनती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है और बहुत हेल्दी भी है ये सब्जी, तो आप भी जरूर ट्राई करना। और मैंने गैस की आंच मीडियम कर रखी है, इसलिए भापी भाप में पक रही है। मैं इसके ऊपर फिर ढक्कन रख देती हूँ, फिर मैं चेक करूंगी इसको सब्जी को। मैं इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ, और बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल मसाले घर के। 2 मिनट हो गए हैं, बीच में मैंने एक बार चेक कर लिया था, तो मैं फिर दोबारा से चेक कर लेती हूँ कि सब्जी बनी है कि नहीं है। और खुशबू तो आ रही है, तो मेरे ख्याल से देखो सब्जी हमारी बन गई है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, और जो ये फली की सब्जी है, ये बन के पूरी तरह से रेडी हो गई है, तो आप भी जरूर ट्राई करना। बहुत सिंपल और ईजी सब्जी है, आप इसको रोटी के साथ, पराठे की, पूरी, किसी के भी साथ खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। जो मैंने ये आलू और फली और प्याज की मिक्स सब्जी बनाई थी, ये बनके पूरी तरह से रेडी होगी है। और मैं आपको चेक भी करा देते हैं, एक आलू कि आलू अच्छे से गलेंगे नहीं। ये देखो आलू अच्छे से गल गए हैं और सब्जी भी पूरी तरह से पक गई है, और ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। अब सब्जी को मैं एक प्लेट में डाल दूंगी, जो मैंने फली की सब्जी बनाई है, और इस पे खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है, तो अभी जरूर ट्राई करना। जो मैंने ये आलू और फली और प्याज की मिक्स सब्जी बनाई है, ये बनके पूरी तरह से रेडी होगी। और अगर आपको ये फली, आलू और प्याज की मिक्स सब्जी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना आपको कैसी लगी। और मैं अगले वीडियो में मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय।